रिजल्ट सीजन है जोरों पर और ढेर सारे रिजल्ट आए, उनमें से कुछ सेलेक्ट किए हैं वरिंदर ने आपके लिए, तो बताइए पहले अच्छे रिजल्ट से करते हैं शुरुआत। वरिंदर बताइए कौन से रिजल्ट मजबूत दिखे हैं आपको? गुड मॉर्निंग सर। कोई स्टैंड आउट परफॉर्मेंस ऑनेस्टली कुछ नहीं था, एसीसी बोर्ड डिस्कस हो चुका है, सो आई विल नॉट कमेंट ऑन इट। सो डेन नेटवर्क्स के नंबर्स अगर आप फेस में देखो तो बहुत अच्छे लग रहे हैं सर, बट अगेन मुझे उसका वैल्यूएशन नहीं समझ आता। एज आई सेड, सेल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू वॉच इन दिस क्वार्टर। इसका सेल्स नीचे था सर 4%, बट एबिटा 55% ऊपर था, मार्जिन 21% वर्सेस 13% और प्रॉफिट 60 करोड़ वर्सेस कुछ 10-11 करोड़ था। ये इसीलिए संभव हुआ बिकॉज उसका कंटेंट कॉस्ट जो है वो 160 करोड़ से 135 करोड़ नीचे आ गया। ऑनेस्टली आई हैव टू डिग मोर इनटू इट कैसे हुआ, बिकॉज अगर हैथवे का नंबर देखें तो हैथवे का जो पे चैनल कॉस्ट है वो सेम रहा था, 132 करोड़ वर्सेस 130 करोड़। मे बी आप बता सकते हो सर कि कंटेंट कॉस्ट कुछ केबल कंपनी का कम क्यों हो रहा है? अगर आप इसका नंबर सेगमेंट वाइज देखें तो केबल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ने एक्चुअली इस बार एबिट पॉजिटिव किया वर्सेज लॉस। So, जो लोगों को लगता है कि डेन हुआ या हैथवे हुआ उनको ब्रॉडबैंड डेन का, उसने इस बार भी एबिट लॉस किए है। जैसे मैंने बोला कि वैल्यूएशन मुझे नहीं समझ आता, प्राइस अर्निंग पे ये कुछ 40 टाइम पे ट्रेड करता है, आरओसी इसका नेगेटिव है, इसने लास्ट 5 साल में 1000 करोड़ का लॉस किया है। सो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है अर्निंग इस कंपनी की जी। ये तो अच्छे नतीजे में, लेकिन खराब फुस नतीजे किसके रहे जो बहुत ही खराब है? सर तीन कंपनीज हैं जिनके फुस नतीजे आए हैं और एक मेरे लिए ऑनेस्टली बहुत बड़ा सरप्राइज था कि इतने गंदे नंबर कैसे आ सकते हैं इस कंपनी के। उस कंपनी का नाम है स्वराज इंजन्स। अगर आप नंबर्स देखें सर तो सेल्स 43% डाउन थी, एबिटा 53% नीचे था और प्रॉफिट भी 55% नीचे था। आपको याद होगा कि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द ट्रैक्टर 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 थिंग, बट इस बार आई थिंक स्टॉक कुछ 52 वीक हाई के पास ट्रेड कर रहा है, सम 90% रिकवर हो चुका है 52 वीक लो से, 25 टाइम पे ट्रेड करता है, 8 टाइम बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है। सो एक्सपेंसिव स्टॉक है बट नंबर्स इस बार बहुत ही खराब आए थे, उस सेगमेंट में जहां सबको उम्मीद है। एनआरबी बियरिंग दूसरा नंबर है सर जो बहुत गंदा आया था। अगेन ऑटो एंड मैंने कल भी बोला कि इनके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो एनआरबी बियरिंग में आप देखिए सर सेल्स 70% डाउन थी और इस बार कंपनी ने एबिटा लॉस किया 16 करोड़ का वर्सेस अ प्रॉफिट ऑफ 30 करोड़। एवरेज रन रेट सेल्स का पर क्वार्टर का 200 करोड़ का होता है, जो कम होकर इस बार कुछ 60 करोड़ के आसपास आ गया है। अगेन इट इज नॉट एट ऑल चीप स्टॉक, 24 टाइम्स प्राइस अर्निंग भी ट्रेड करता है। लास्ट कंपनी से जो मैं बात करना चाहूंगा वो है बॉम्बे डाइंग। अगेन लोगों को बहुत उम्मीदें हैं इस कंपनी में बहुत कुछ हो जाने की, बट नंबर्स इस बार बहुत ही खराब आए थे। रेवेन्यूज 85% डाउन, एबिटा लॉस था वर्सेस अ प्रॉफिट और लॉस कुछ 130 करोड़ का आया। सर आप सोचिए इसने इस बार नेगेटिव मार्जिन किया कुछ 25% का, अगर आप लास्ट 10-12 क्वार्टर देखते हो तो ये 25% नेगेटिव मार्जिन से कुछ कुछ क्वार्टर्स में ऐसा भी हुआ कि इसका 50% प्लस एबिटा भी आया है, मार्जिन भी आया है। सो ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नंबर्स है। इसके तीन सेगमेंट्स है, रियल एस्टेट, पॉलिएस्टर और टेक्सटाइल। तो समझ में आता है कि रियल एस्टेट इस बार अच्छा नहीं कर रहा बिकॉज उसका सेल्स कुछ 250 करोड़ से 12 करोड़ हो गया है, बट इवन अदर बिजनेसेस पॉलिएस्टर जो जान माना जाता है इस कंपनी की, उसका सेल्स भी 350 करोड़ से 70 करोड़ रह गए और टेक्सटाइल बिजनेस का कुछ 50 करोड़ से कुछ 1 करोड़ रह गए। 1500 करोड़ का मार्केट कैप है, 4000 करोड़ का डेट है, सो डेट भी है ज्यादा इस कंपनी में। सो नंबर किसी भी तरीके से बेहतरीन नहीं लग रहे थे। एक छोटा सा कंपनी इंडो माइंस, अगेन केमिकल 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 कंपनी बोलते हैं कि केमिकल कंपनी है, उसका भी नंबर बहुत ही खराब था सर, एबिटा 40% डाउन था, प्रॉफिट 75% डाउन था। तो ये हैं वो तमाम रिजल्ट्स जिन पर आज आप नजर रखिए एनालिसिस के लिहाज से। तो ये है कमजोर रिजल्ट्स की लिस्ट ज्यादा आज वरिंदर के पास। शुक्रिया वरिंदर ये पूरा एनालिसिस देने के लिए, कल आपसे फिर होगी मुलाकात।